रोहतक पुलिस की अपराध जांच शाखा व राजेश बवाना गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर पर गोली भी लगी। इसके बाद पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 2 बदमाश फरार हो गए हैं। ये बदमाश सोनीपत के कटवाल गांव के सरस्वती विद्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक से 50 लाख रुपए की रंगदारी लेने के लिए आए थे। पुलिस ने बदमाशों के पास से लूट की गई क्रेटा गाड़ी व 3 पिस्तौल भी बरामद की है। रोहतक की CIA टूट की टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। कल 3 फरवरी की शाम को जसिया के पास जब ये गश्त कर रहे थे तो इनके पास मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई थी कि 5 बदमाश क्रेटा गाड़ी में सवार होकर गिलोड़ गांव से होते हुए रोहतक की तरफ जा रहे हैं, जिसको गंभीरता से लेते हुए इन्होंने वहाँ पे नाकाबंदी की और सब गाड़ियों की चेकिंग करवाई। इसी दौरान एक क्रेटा गाड़ी को जब फ्लैग डाउन करने की कोशिश की गई, उसने गाड़ी को वापस भगाने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने फिर भी उसको, जब वो गाड़ी बंद हो गई तो बदमाशों ने वहाँ से उसमें से निकल के भागने की कोशिश की और पुलिस की पार्टी के ऊपर फायर की, जिसके ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस टीम ने अपने आत्म सुरक्षा के लिए जवाबी फायरिंग की और जिसके अंदर एक एक्यूज्ड को पैर के अंदर गोली लगी। इसी दौरान हमारी CIA 2 की टीम सब इंस्पेक्टर आजाद सिंह के नेतृत्व में 3 आरोपियों को काबू करने में कामयाब हुई, जबकि 2 आरोपी वहां से फरार हो गए। जिन आरोपियों को वहां से काबू किया गया उनकी डिटेल्स इस प्रकार हैं। संजीत पुत्र जयनारायण, जो कि रूपनिया झज्जर का रहने वाला है। अक्षय उर्फ रिंकू पुत्र बलराज, ये रोहत झज्जर का रहने वाला है। और तीसरा आरोपी संदीप उर्फ मिस्त्री पुत्र जयप्रकाश, जो कि महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। रोहतक से विकास ओहियान की रिपोर्ट। समय समय पर ताजा खबरों के लिए देखते रहिए यस टीवी।